अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज एक बहुत ही खुशी वाला दिन है क्योंकि रहमान फाउंडेशन ने एक गर्ल्स हॉस्टल का इनॉग्रेशन किया है, जो कि एक 18 रूम्स का हॉस्टल है जिसमें तकरीबन 36 से 40 गर्ल्स रहेंगी और उसके साथ साथ नर्सिंग के बारे में भी सीखेंगी। और जो फर्स्ट बैच था यहाँ पे, जो 2021 में स्टार्ट हुआ था नर्सिंग का इंस्टीट्यूट, उससे आज 30 स्टूडेंट्स पास आउट हो रही हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही खुशी वाली बात है, क्योंकि जब गर्ल चाइल्ड आगे बढ़ेंगे, जब वो एडुकेट होंगे, तभी नेशन आगे बढ़ेगा। और अभी 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है और ये सब रहमान फाउंडेशन को से क्रेडिट जाता है और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह नुमानी गर्ल्स हॉस्टल का ओपनिंग हुआ है जनाब आसिफ राजू सेठ के हाथों से। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के सेठ साहब को एज ए चीफ गेस्ट का ये किया, नॉट बिकॉज ऑफ राइट नाउ ही इज़ MLA ऑफ बेलगाम नॉर्थ। उससे पहले से हमारे उनके साथ में ताल्लुकात हैं, हमने उनको देखा है कि वो कैसे इंसानियत के लिए अपने आप को पेश करते हैं और आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं। तो उस ख्याल से औजत से मशवरा करके फिर आसिफ राजू सेठ साहब का इस प्रोग्राम के लिए एज ए चीफ गेस्ट उनको बुलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इदारा चल रहा है हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ज़ेर निगरानी, कई शोबे चल रहे हैं, मदरसा चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, क्लिनिक चल रहा है, ट्यूशन क्लासेस चल रहे हैं। नर्सिंग इंस्टीट्यूट का आज फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है जिसमें 30 स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है, जो आज इंडिपेंडेंटली IV लगा सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, कैटेटराइजेशन कर सकते हैं, कहीं भी आज वो जॉब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 23 को हम लोगों ने ही रिटेन किया है और ये लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखने के बाद में ये नए एडमिशन्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट 40 का था लेकिन 60 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। ये जो एक्स्ट्रा 20 हो गए के वही के इन्फ्लुएंस और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में सर ने, सौदागर सर ने, गंगा मैडम ने फिर इजाज़त दी कि भाई ठीक है, हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो 60 स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया, जो 21 से स्टार्ट होगा। इसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन क्लासेस चलते हैं शाम में 6 से लेके 9 बजे तक का है, 2.5 घंटे का जो टाइम है जिसमें 4 पीरियड्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 7th, 8th, 9th, 10th का। कोशिश यही हो रही है कि हमारे बच्चे अपने बलबूते पे SLC पास करें, अच्छे परसेंटेज में पास करें, अच्छे कॉलेजेस में जाएं और फिर वहाँ से उनका कैरियर बेहतर बने। एक है भाई हम लोग हमारे बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं, ये एजुकेशन नहीं हो रहा है, इसका तफसीरा करें। एक है प्रैक्टिकल अमल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आए, इसके लिए रहमान फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन क्लासेस के ज़रिए से एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आए। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे तालुका और देहात से जो बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आती है, हॉस्टल्स में है रहती है, PGs में रहती है, काफ़ी परेशानियाँ उनको हो रही थी, इसके लिए एक कदम बढ़ाए हैं कि 40 बच्चियों के लिए रिहाइशगाह जो 18 कमरों में है स्टार्ट किए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसे बहुत आगे बढ़ाने का इरादा है ताकि यहाँ बच्चियाँ जब रहेगी तो 24/7 सिक्योरिटी गार्ड रहेगी, अंदर मौलिमात है जो इनका पूरा निगरानी करते रहेगी और फिर यहीं अंदर ही मेस है जो इनका खाना यहीं बनेगा और उनके लिए अंदर डाइनिंग है, नमाज रूम सेपरेट है, स्टडी रूम सेपरेट है। तो कोशिश ये कर रहे हैं बच्चियां कहाँ भी पढ़े ये आके यहाँ रहे और उनको एक अच्छा पाक साफ़ सुथरा और सिक्योर माहौल मिले ताकि इनके पेरेंट्स जो एक एतमाद करके बच्चियों को भेज रहे हैं उसमें वो कामयाब रहे और जो कौम और मिल्लत जो आज एजुकेशन में किसी वजह से पीछे है वो आगे बढ़े। और इंशाल्लाह ये जो मकसद है और ये जो कोशिश हो रही है कि आगे ये बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस मुल्क के और इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बहुत नफ़ा और फ़ायदा होगा, इस कोशिश के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
ये पूरा खानदान में डीएनए में ऐसा लगता है कि सिर्फ खिदमत करना लिखा हुआ है, सिर्फ खिदमत है। इनके वालिदे वालिदा जो एक बहुत बड़ी हस्ती थी, उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत होती थी, हमारे मकान पर भी आते थे, तो उनके भी खिदमत बहुत अहम हैं। अब ये सेकंड जनरेशन जनाब आसिफ से, जनाब फेरों से, इनके खिदमत भी बहुत हैं। ये जो अंजुमन इस्लाम के जो है बहुत बड़े सदर हैं और बहुत से खिदमत कर रहे हैं। मैं ये डॉक्टर की हैसियत से इनको उस वक्त जाना जब कोरोना के अंदर इनके जो खिदमत थे वो खिदमत देख कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक दफ़ा मैं कलेक्टर की मीटिंग में अटेंड हुआ था, वहाँ कलेक्टर ने इनका नाम लेकर कहा कि भाई, वहाँ कलेक्टर ने इनका नाम लेकर कहा कि ये ऐसी हस्ती। इसके अलावा साइंस कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ मुस्लिम लड़कियाँ आती हैं, मगर रहने के लिए इनके लिए कोई मुस्लिम हॉस्पिटल जो इस्लामी कल्चर के बेस पर है या ऐसा नहीं था। एक्चुअली सेंट्रल भी बोल रहा है,
तो ऐसे बहुत से काम आपको मिला है मिलेंगे जो पूरी और पहले से काम करते हैं और वाकई में हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमारे MLA ऐसे हैं कि मैं जब रात में 1 बजे कॉल करता था 3 बजे कॉल पर कॉल रिसीव करते थे उस दौरान जब पे कोविड से हर लोग डर के भाग रहे थे फोन बंद अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे थे उस दौरान राजू शेख साहब फील्ड में थे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टेट में जो सिलेंडर्स का जो निज़ाम शुरू किया गया था अंजुमन के तरफ से राजू शेख साहब की तरफ से शुरू किया गया था जिसमें राजू शेख साहब का खुद का और उनके फैमिली का बहुत बड़ा पैसे से भी हिस्सा है। तो वाकई में बेलगाम नॉर्थ कॉलोनी के रहवासी से उनके लिए बहुत खुशनसीबी है कि ऐसे कौन से हमारे अच्छे काम थे पता नहीं जैसे राजू शेख साहब जैसे MLA को हमारे ऊपर या हमारे लिए मुकर्रर किए हैं ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। इसलिए जो 5 साल है यहाँ से पहली बात तो हमें इनकी कदर करें और जो डिपार्टमेंट से जो राजू शेख साहब से हो सकता है अपने कौम और मिल्लत के लिए जो इंसानियत के लिए वो लेने की कोशिश करें। लेकिन डर था अल्लाह
रहमान जी हिसाब किताब देना है। यही डर रहमान फाउंडेशन के हर कार्य ने इंस्टीट्यूट से पारित होने वाला, मदरसे से पारित होने वाला और जो भी खिदमत करने वाला है, यही डर, यही खौफ, यही खशियत अल्लाह की हम जो हिसाब किताब देना है, मेरी जो जिम्मेदारी, मैं किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, यही डर हर कानून के अंदर आ जाए तो मुमकिन है कि इंशाअल्लाह रहमान फाउंडेशन के जो मकासद हैं वो ज़रूर के ज़रूर कामयाब होंगे, तो सर करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह एक बात मैं कहता हूँ, ये जो हमारे सामने हमारे रूह रवाब हज़रत आगे बढ़ते गए तो फिर हजरत की तरफ
से आए कि भाई कुछ कॉन्क्रीट काम किया जाए ताकि हमेशा 24 घंटे इंसानियत के लिए ऐसे काम होते रहे जो जरूरत है इस वक्त। तो कोविड जैसे आ गया फर्स्ट वेव के बाद में मुफ्ती समीर साहब ने बताया कि उस वक्त इरादा हम लोगों ने किया, नोमानी हॉस्पिटल का आगाज हो गया।